सिवान का एकमात्र HUIT हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUIT हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। MP संजय यादव जी, समता देवी जी, जनाब साउद आलम साहब, विनय कुमार यादव जी, सुरेश मेहता जी, जनाब अतीक मंसूरी साहब, नवल किशोर यादव जी, प्रमोद दुबे जी, अरुण यादव जी, अशोक यादव जी और हंटरगंज प्रखंड के सभी हमारे महागठबंधन के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आप सब लोगों के चहेती प्रत्याशी महागठबंधन लालू जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जी ने जिनको अपना प्रत्याशी बनाया है, बहन रश्मि प्रकाश जी और हंटरगंज प्रखंड से सभी हमारे बुजुर्ग जितने आए हैं सबका यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं। माताएं बहनों को यही हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और सब नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाते हैं। देखिए, चुनावी जनसभा है, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है। 13 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और हम लालू जी का संदेश लेकर के आए हैं हंटरगंज। हंटरगंज ने आज तक लालू जी का झंडा जो है नीचे नहीं होने दिया। हमेशा हम लोग गरीबों का पार्टी है, जनता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, आपके मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, हम सब में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, शांति रहे, इसका काम हम लोग करते हैं। आप सब लोग को से अपील करते हैं कि जो आप लोगों की प्रत्याशी बनाई गई है रश्मि प्रकाश जी, ये पूरे झारखंड में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है। ये बोली रही थी उम्र है 26 लेकिन सोच है 56। अब आप लोग सुन भी लिए हैं, इनको देख भी लिए हैं और एक बार तेजस्वी का बात मानिएगा, लालू जी का बात मानिएगा कि नहीं मानिएगा, एक बार अपना विधायक इनको बना करके देखिए, देखिए कैसे चतरा को और हंटरगंज को आगे ले जाने का काम। नई सोच की है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, विकास के काम को तेजी में लाएगी। कितना बढ़िया बोलती है, अरे बोलती है कि नहीं बोलती है? तो आप बिहार, आपका झारखंड विधानसभा में कोई बोलने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सोचिए, यहाँ इतना जोरदार बोल रही है तो विधानसभा को तो हिलाने वाला चाहिए ना भाई। तो आपके मांगों को, आपके काम को, आपके समस्याओं को, आपकी जरूरतों को ये विधानसभा में मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। पढ़ी लिखी महिला है, कोई दाग नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ चले जाइए, वो कहां से आए थे, यही के ना थे भाई, चले गए तो चले गए, अब चले गए तो भुगत रहे। हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हम सब लोगों का एक ही मकसद है, आप लोगों की तरक्की हो, चतरा आगे बढ़े, झारखंड आगे बढ़े। जब से बिहार और झारखंड बटा, सबसे ज्यादा अगर राज किसी पार्टी ने किया तो आप भाजपा के लोगों ने किया। क्या किया हंटरगंज के? सत्यनारायण भोक्ता जी मंत्री बने तो देखो विकास दिख रहा है सामने,
काम दिख रहा है। और इस बार हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, अगर कोई कमी बेसी रह गई हो, कोई गलती भी रह गई हो, तो उसके लिए तेजस्वी माफी मांगता है। लेकिन ये जो चुनाव है, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, देश को संदेश देने वाला चुनाव है। ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने पिछले बार चतरा आप लोगों ने जिताया, आप मालिक हैं। और हम लोग जीते, हम लोगों की सरकार बनी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। ये भाजपा वाला लोग हारा, लेकिन जिन लोगों का सोच देखो कितना घटिया है। सरकार जब जनता बना दी तो इन लोग काम में लग गया कि सरकरवा को गिराओ। ये लोकतंत्र का हत्या है, जनादेश का अपमान किया उन लोगों ने। सोचा कि जो डरेगा विधायक उसको डरा दो ईडी या सीबीआई लगा के, और जो बिकेगा उसको खरीद लो, सरकार गिरा के फिर भाजपा का सरकार बना। ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए? बीजेपी जो है क्या माहौल बनाना चाहती है? बोलो, पूंजीपतियों का दल है, बोलो गरीब पार्टी थोड़ी है, गरीबों की पार्टी नहीं, वो लोग केवल अमीरों की पार्टी है। वो लोग सब लोग सरकार गिराने में रहे। आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया आदिवासी समाज से, आपके लालू जी को जेल भेजा, तेजस्वी का जब मूछ नहीं आया था तो तेजस्वी पे भी मुकदमा किया। डेली हम लोगों को बुलाता, समन करता है, सोचता था कि लालू जी को जेल भेजेंगे तो लालू जी डरा आ जाएंगे। अरे लालू जी डरे वाला है? अरे हम लोग को जेल से डराओगे? हम लोग के भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। ये भाजपा वाला क्या भाव करता है? फिर सोचा कि लालू जी जेल हो लिए, ये आरजेडी ऐसा पार्टी है, लालू जी ऐसा नेता है जो आज तक भाजपा के सामने झुके नहीं है। लालू जी के शरीर में जितना खून था, सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने ना आ पाए, बीजेपी को भगाने के लिए उन्होंने अपना पूरा खून जो है त्याग कर दिया। और अभी भी उम्र हो गया है, बीमार अवस्था में जितना खून शरीर में बचा है भाजपा को भगाने में लगा रहे हैं। ये लोग सोचा कि लालू जी नहीं हुआ तो तेजस्वी पर मुकदमा कर दो, तेजस्वी के भाई बहनों को मुकदमा कर दो। जब लालू जी नहीं डरा तो लालू जी का लड़का डरा देगा? डरने वाले हम लोग लड़ेंगे। सांस को आज किस बात की? अरे जो गलत करेगा वो डरेगा, जो ईमानदार होगा और जनता जिसके साथ खड़ी होगी हमेशा लड़ने का काम करेगा। हम लोग आपके लिए लड़ते हैं, और लड़ने की हिम्मत कहाँ से आता है? आप मालिक को देते हैं, आप ताकत देते हो, उसी ताकत के बल पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ तो चलो भाजपा सफल हो गई सरकार गिराने में, लेकिन बिहार में तो हमारे चाचा सीएमए के हाईजैक कर लिए। 24 में हेमंत सोरेन जी को झारखंड का सीएम बनाइए, 25 में हम लोग मिलकर के बिहार में भी सरकार बनाएंगे। सब लोग गोलबंद हो जाइए, इधर उधर नहीं। आज सुबह सुबह देखिए हुआ कि भाई प्रोग्राम है, चलना है, हेलीकॉप्टर से आना था, सुबह पता चला कि हेलीकॉप्टर में खराब हो गया। पता चला काहे रे भाई? तो पता चला वो हंटरगंज जाना है पहले, और हेलीकॉप्टर यहाँ से लड़ रहा है। लोजपा का चुनाव सिर है ना हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर को दस्त लग गया हंटरगंज जाने में। तो यहाँ आप लोगों की ताकत है। तो इस बार भाजपा तो भाग गई,
और लोजपा को जो है आगे कर दिया, ये भाजपा का बी टीम समझे। ये लोग अब कैंडिडेट भाई पुराण है, कितना दल हो लिया रे भाई। अरे राजनीति भी कोई सिद्धांत विचारधारा की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये लोगों का ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचारधारा है। तो देखिए हेमंत सरकार ने मैया योजना ला करके बहनों के खाते में ठगा ठग 2,500 पेंशन कर दिया, 1,000 बिजली का बिल कर दिया माफ। अब बिजली जो है 200 यूनिट फ्री में भी हो गया। अब सुनो, बिहार में हमने 17 महीने में 5,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया, और इस बार हम लोगों ने ऐलान किया कि झारखंड में भी 10,00,000 नौजवान को सरकारी नौकरी। कितना नौजवान सब बेरोजगार है जरा हाथ उठा करके बताए। अरे नौकरी चाहिए ना, तो आप अपना अपना फील्ड में तैयारी कर लीजिए, कंपटीशन होगा। और तेजस्वी पर भरोसा है कि नहीं? जब तक 10,00,000 लोगों को झारखंड में नौकरी नहीं दिला देते, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। देखो बिहार में हमने क्या किया, बिहार में हमारी सरकार बनते बनते इन लोगों ने 2-4 सीट पे बेमानी कर लिया था। बीच में सरकार नहीं बनी, हमने बिहार में भी वादा किया था 10,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन जब अभी 22 में हम 17 महीने केवल उप मुख्यमंत्री बने, तो हमने 5,00,000 लोग को सरकारी नौकरी, 3,00,000 नौकरी प्रक्रियाधीन, और 4,50,000 नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। तो आप लोग समझिए, अगर थोड़ा दिन और रुक जाते तो अभी बिहार में 10,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता। और जब 20 में हम बोलते थे चुनाव में कि 10,00,000 नौकरी हम देंगे, तो हमारे चाचा कहते थे कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से पैसा लाएगा, हमको बोलते थे। जब हम रहे उनके साथ, देखो फटाफट 3 महीने में सीधे ज्वाइनिंग लेटर, परीक्षा हो गया, विज्ञापन, परीक्षा, तुरंत फटाफट रिजल्ट आया, सबको ज्वाइनिंग भी दे दिया। पटना का गांधी मैदान जहाँ रैली होता था, वहाँ नौकरी का रैली हम लोग निकाल करके मुझको पत्र। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का बेरोजगारी है। कितना लोग पढ़ लिख लिया, डिग्री ले लिया, नौकरी है ये नहीं है। कितना लोग का ब्याह रुकल होगा, उम्र निकल रहा होगा ब्याह का, नौकरी का, हाँ कि ना? तो भाई नौकरी लगेगा तो बढ़िया जगह ब्याह लग जाएगा। हमारे कुमार भाई साहब का परिवार हो जाएगा, परिवार हो जाएगा तो नन्ना मुन्ना बचवा आ जाएगा, है कि ना? नौकरी कमाएगा तो बचवा के चॉकलेट लगे दे देगा, घर चलाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, सब समस्या का समाधान होगा, है कि नहीं? सब सुखी संपन्न रहेंगे, सब मस्त मौला रहेंगे। अरे भाजपा वाला जो नफरत जहर फैलाता है हमारे मुसलमान भाइयों के प्रति, अरे बताओ मिसाइल मैन कौन है देश का? APJ अब्दुल कलाम। बताओ कलाम साहब नहीं होते तो देश में मिसाइल बनता, न्यूक्लियर होता? इतना बड़ा आदमी थे, आज देश को ताकत दिए। तो इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को आजादी दिलाने में सबका योगदान है, इसलिए मिलजुल करके रहना है सबको। ये लोग तलवार देना चाहता है भाजपा वाला, लोजपा वाला, और हम लोग कलम देना चाहते हैं आपके हाथ में, नौकरी देना चाहते हैं। अब तय आप लोग करो कि कलम उठाना चाहते हो कि तलवार उठाना चाहते हो। तलवार उठाओगे तो बच्चा को चॉकलेट नहीं खिला पाओगे, ब्याह नहीं हो पाएगा, केस मुकदमा होगा, जेल जाओगे, नहीं तो ऊपर जाओगे। सब
अब शांति रहेगा, माहौल ठीक नहीं रहेगा, इसलिए एकजुट रहेगी माँ। और सब लोगों को इस बार भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना। तो आप लोग का आशीर्वाद है कि नहीं है? तो रश्मि को बनाइएगा ना, पक्का। देखो सबसे कम उम्र की विधायक होगी पूरे झारखंड में, है कि नहीं? पढ़ी लिखी है, अच्छा छवि है, फटाफट बोलती है। तो हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दोनों हाथ उठा करके बताइए। तो विजय कमाला सौंप दे, चलिए हम सौंप देते हैं। आप सब लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हंटरगंज की जनता जिंदाबाद, हंटरगंज की जनता जिंदाबाद। चुपचाप 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 बिहार झारखंड। चलिए चलिए।